धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सतगुरु की बहुत ही प्यारी सास संगत जी, सास संगत जी आप सभी अपने घर परिवार बच्चों के लिए क्या नहीं करते, आप अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं करते। आप नौकरी करते हैं घर परिवार बाल बच्चों के लिए, खुद व उनका पेट पालने के लिए, आप सतगुरु के लिए तो समय ही नहीं निकालते। आपने कभी सोचा कि उसके लिए भी वक्त दे जो हमारे लिए इतनी दूर बैठा है, उसने क्या खाया होगा क्या पिया होगा। नहीं, हम अपने ही स्वार्थ के लिए उलझे रहते हैं। अगर सारी सत्संग सतगुरु को सच्ची तड़प से बुलाए तो सतगुरु को आने में देर नहीं लगेगी। कई बहन भाई कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, काम बहुत है और क्या पता सतगुरु दर्शन दे या ना दे। क्या आपने कभी काल और उसके साथ चोरों के साथ लड़ने की कोशिश की? क्या आपने अपने विचारों को सतगुरु की तरफ लगाने की कोशिश की? क्या आपने दुनिया से ध्यान हटाने की कोशिश की? अगर की होती है सतगुरु दर्शन जरूर देता। सत्संग जी आप मन से पहले ही हार मान लेते हैं। सतगुरु जी ने ग्रंथ में भी लिखा है मन से हार जाने उतना बुरा नहीं जितना हार मान लेना है। तो सत्संग जी आप मन से मुकाबला तो करके देखें, वो दर्शन तो जरूर दे देगा। साथ संगत जी मैं भी दर्शनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, मैं भी कहती थी कि दर्शन नहीं होते। मैं सारा दिन फोन में सीरियल गाने सुनना और बच्चों में अपने स्वास्थ्य खराब करना, उनमें खेल कूद में लगी रहती थी। मेरे पर भी सतगुरु जी ने कृपा की और मैं भी सिमरन पर बैठ गई। मैं बैठी तो मेरा मन कहने लगा कि तुझे दर्शन नहीं होंगे। मैं वहां से उठ गई और पढ़ने लगी तो पढ़ने में मेरा मन नहीं लगा, मैं फिर सिमरन पर बैठ गई। तो जब मैं सिमरन पर बैठी तो मेरा मन और काल मुझ पर दोनों ही बहुत हावी थे और सतगुरु जी की पूरी हौसला सतगुरु जी भी बहुत हौसला दिए जा रहे थे। मैंने भी ठान लिया कि दर्शन लेकर ही जाना है। मैं वहीं पर बैठी रही, अगर ख्याल भी आते तो सतगुरु जी से अरदास करती, तो मुझ पर सतगुरु जी ने भी कृपा की, मैं भी सतगुरु के दर्शनों के लिए काबिल बनी। सत संगत जी आज मैं पूरे जोश से कह सकती हूँ कि दर्शन होते हैं, पर मन से मुकाबला तो करना पड़ेगा। सत संगत जी सतगुरु जी के वचन है, एक पैर आप लगाओगे आगे तो 100 पैर हम आपके पास चल कर आएंगे। सत संगत जी अगर हम सतगुरु को देह रूप में सिरसा लाना चाहते हैं तो आप भी सुमरन करो, उसके लिए तड़पो। सतगुरु आप सबकी पुकार सुन लेगा। सतगुरु बख्शनहार है और वह हमारे गुनाह भी माफ करेगा। अगर हम मिलकर इस काल और सात चोरों का मुकाबला करें तो देह रूप में सर से ला सकते हैं अपने सतगुरु को। सह संगत जी मैं अपने सतगुरु को लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अब काल से तो क्या उसके महाकाल से नहीं डरती। ऐसा हौसला आप में भी होना चाहिए। सात संगत जी और मैं अब चुप भी नहीं रहूंगी, अब तो राम राज्य आकर ही रहेगा। सात संगत जी आप ही सतगुरु के दर्शन करो और अपने कर्म माफ करवा लो। सतगुरु जब आ जाएगा गलती माफ नहीं होगी, खुद के कर्मों का बोझ खुद उठाना पड़ेगा। अब सतगुरु ने वक्त दिया है, इसे व्यर्थ ना करो। अब तो श्वास श्वास सतगुरु की याद में लगा दो। सात संगत जी जब सतगुरु मुझे बख्श सकता है तो सतगुरु के वचन है राक्षस भी देवता बन सकते हैं, गण का वैश्या भक्त बन सकती है। तो सतगुरु आपको भी माफ करेगा। आप भी तो सतगुरु के लिए वक्त दो, उसके लिए समय दो और उसके लिए तड़पो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन